Hello students, my name is Divya Srivastava and today in English grammar we will start a new fresh chapter and the chapter name is adjectives. Yes, in this chapter we will read adjectives and its type. ठीक है, तो start करते हैं. Firstly adjective होते क्या है, what is adjective? Adjective की definition यहाँ पे दी हुई है. Adjectives are the words that describe noun and pronoun. They usually placed before the noun. They describe. अगर इसके definition की बात की जाए तो जो adjectives होते हैं वो describe करते हैं, modify करते हैं किसको, noun और pronoun को. Noun pronoun आपको पहले आपने पढ़ाई होगा in previous classes. Noun is the name of a person, place, a thing. और pronouns वो होते हैं जो noun की जगह use होते हैं. तो noun और pronoun को ये describe करते हैं. आप describe कैसे करेंगे? आप किसी person की या किसी thing की क्या बताएंगी? उसकी स्पेशलिटी बताएंगी, है ना, उसको डिस्क्राइब करेंगी या उसको मॉडिफाई करेंगे. या तो उसके बारे में आप गुड वर्ड्स बोलोगे और या तो उसके बारे में आप बैड वर्ड्स बोलोगे, है ना. अगर कोई गर्ल है, अगर वो ब्यूटीफुल है ना, तो आपने उसको प्रेज किया, उसके बारे में गुड वर्ड्स बोला. कोई मान लीजिए स्टूपिड है या कोई मान लीजिए अगली है, तो उसके लिए आप अगली बोलोगे, है ना. तो किसी नाउन को आप जब डिस्क्राइब करते हो, उसके बारे में आप जब कुछ बताते हो, तो वो जो शब्द होते हैं जिनसे हम उसके बारे में बताते हैं, वो शब्द जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ये जनरली हमेशा नाउन के पहले ही प्लेस्ड होते हैं. एज मैंने लिखा हुआ है, दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब. जिस नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस नाउन के जस्ट ये पहले प्लेस्ड होते हैं. दे टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हाट कलर, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग इज. कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई चीज कितनी है, किस मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कलर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का है. ये सारी चीजें जिन शब्दों से बताई जाती हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. रिया इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. रिया क्या है, एक सुंदर लड़की है. रिया है गर्ल, यहाँ पे क्या है, नाउन है. ठीक है, कैसी लड़की है रिया, ब्यूटीफुल लड़की है. ठीक है, सुंदर लड़की. अब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये क्या, कैसे प्लेस्ड हुआ है, नाउन के पहले प्लेस्ड हुआ है. ठीक है, तो जो अभी किसकी विशेषता बता रही है, रिया की विशेषता बता रही है कि रिया एक सुंदर लड़की है ना. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी की, किसी को, किसी नाउन को डिस्क्राइब करें, है ना, उनके बारे में कुछ बताएं, तो ऐसे वर्ड्स क्या क्या होते हैं, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल या रिया इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, राइट. तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. शी गेव मी अ रेड रोज. उसने मुझे कैसा फूल दिया, लाल गुलाब दिया. उसने मुझे गुलाब कैसा है, किस रंग का है, लाल है, है ना. यहाँ पे रोज के बारे में बताया जा रहा है, रोज यहाँ पे नाउन है, तो कैसा रोज है, रेड रोज है. रेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले प्लेस्ड हुआ है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नाउन प्रोनाउन आपको पता ही है, जो उसकी क्वालिटी बताए, जो उसको डिस्क्राइब करे नाउन को या प्रोनाउन को, ऐसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. सी, हियर इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव. हियर इज अ, देयर आर अ सेवन, सॉरी सिक्स टाइप ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड सजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी से आपको पता चल रहा है किस चीज की क्वालिटी है ना. जब हम कुछ सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं, हम कोई कपड़ा खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो हम उसकी क्या देखते हैं, हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, राइट. तो उसी तरीके हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी देखेंगे. सी, हियर इज अ डेफिनेशन. एंड एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए. यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. ठीक है, राम, एग्जाम्पल देखिए. राम टोल्ड मी अ हॉरर स्टोरी. राम ने मुझे एक डरावनी, हॉरर मतलब डरावनी कहानी सुनाई. ठीक है, अब स्टोरी कैसी है, स्टोरी की बात, स्टोरी की क्वालिटी की अगर बात की जाए, तो आपकी स्टोरी एक्शन स्टोरी है, रोमांटिक है, थ्रिल्ड है कि हॉरर है, तो स्टोरी कैसी है, हॉरर है. यहाँ पे स्टोरी की क्वालिटी क्या है, कि स्टोरी क्या है, हॉरर स्टोरी है, राइट. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. रिया इज वेयरिंग हर न्यू
शूज, वो क्या कर रही है, अपने नए जूतों को पहन रही है रिया। तो शूज कैसे हैं? नए हैं। यहाँ पे शूज के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, न्यू है। अगर हम बोले कि हर ड्रेस या हर शर्ट इज नाइस या हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसकी जो ड्रेस है वो क्या है, सुंदर है, उसकी ड्रेस की हम क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे ऐसे शब्द जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अनुज इज अ वाइस मैन, वाइस मतलब बुद्धिमान, या रिया इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमारे जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, है ना, कि कौन बुद्धिमान है या कौन बेवकूफ है या कौन ब्रेव गर्ल है, शी इज अ ब्रेव गर्ल, लड़की कैसी है, ब्रेव गर्ल है। तो जिस नाउन के बारे में हम स्पेशलिटी बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। सेकंड देखते हैं हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी से ही समझ में आ रहा होगा, क्वांटिटी मतलब हिंदी में होता है मात्रा, कोई चीज कितनी मात्रा में है, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेड, कोई चीज कितनी ज्यादा है, कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, जैसे सम हो गया, ठीक है, मच हो गया, इनफ हो गया, ठीक है, जहाँ पे मात्रा की बात की जा रही है। मात्रा की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे केजीज और लीटर भी आ सकता है। जब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे इतने किलो ये चीज दे दीजिए, इतने लीटर ये दे दीजिए, है ना। सॉलिड लिक्विड भी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू गिव हिम सम फूड, क्या तुम उसको कुछ खाना दे सकते हो। यहाँ कुछ की बात हो रही है, कुछ खाना, क्वांटिटी की बात हो रही है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम हो गया, अब सम यहाँ पे क्या है, देखिए नाउन के पहले प्लेस हुआ है, सम हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा क्वांटिटी एडजेक्टिव है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अमित हैज मच वर्क टू डू, अमित के पास काफी काम है करने के लिए, ठीक है। अब मच, मच मतलब काफी ज्यादा, है ना। अब ये क्या है, नाउन के पहले प्लेस हुआ है, तो मच भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, यहाँ भी मात्रा की बात की जा रही है। अगर मैं बोलूं कि रिया हैज इनफ मनी टू बाय न्यू ड्रेस, इनफ मतलब पर्याप्त, है ना, उसके पास एक पर्याप्त पैसे है कि वो नई ड्रेस खरीद ले, ठीक है। तो अब इनफ भी यहाँ पे क्या है, मात्रा की बात की जा रही है, हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ हो गया आपका, मच हो गया, सम हो गया, दीज वर्ड्स आर क्वांटिटी, क्वांटिटी एडजेक्टिव, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है। नंबर तो आपको पता है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर देयर, कोई चीज कितनी है, यहाँ पे हम काउंट नहीं कर पा रहे, यहाँ क्वांटिटी की बात की जा रही है, ठीक है, मात्रा की बात की जा रही है, यहाँ पे नंबर्स की बात की जा रही है ना, आप इसको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर देयर, ठीक है, नंबर की बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, नेहा गेव मी 2 toys, ठीक है, या नेहा गेव मी 2 necklace ब्रेसलेट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, रिया गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन क्लास, ठीक है, रिया ने क्लास में पहली पोजिशन हासिल की, प्राप्त करी। देयर आर मैनी सिंगर्स, यहाँ बहुत सारे मैनी सिंगर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स का कुछ पैटर्न है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे द फर्स्ट पोजिशन लिख दिया, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने मैनी लिख दिया, है ना। इनको भी हम देखेंगे, जो हमारे नंबर एडजेक्टिव होते हैं, ये तो पहली बात मैंने बता दिया डिफिनेशन की, हाउ मैनी पर्सन आर थिंग्स आर देयर, कोई इंसान कोई या कोई थिंग कितनी है ना, नंबर में अगर बात की जाए, हाउ मैनी कितनी है, वहां ये एडजेक्टिव आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 तरह की चीजें हैं आपको ध्यान देनी है। अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, ठीक है, नेहा गेव मी 2 toys, या देयर आर 29 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, राइट, या देयर आर 60 पेशेंट इन द हॉस्पिटल, जहां पे नंबर आता है उसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। 2 चीज, एक होता है आपका कार्डिनल और एक आपका होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपके नंबर में आते हैं। जहां पे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग की बात की जाए, 59, 517, अगर इस तरह के नंबर्स आते हैं तो वहां पे हम कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को, इनको हम इन नंबर्स को कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और जहां पे फर्स्ट आए, सेकेंड आए, सेकेंड पोजिशन आ गई, या 6th आ गया, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो हम उसको हम क्या बोलते हैं,
ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्लास में यहाँ दिया है मैनी, आप बोलेंगे मैम यहाँ पे मैनी दिया हुआ है, तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हम इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर में तीन चीजें आती है, नंबर की डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए, एडजेक्टिव और नंबर क्या होते हैं। इट टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन आर थिंग ए आर देयर, ठीक है, कितने लोग या कितनी चीजें वहां पे हैं, यहाँ पे नंबर शो करते हैं। अब नंबर शो करेंगे 1, 2, 3, 4 में शो करेंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड में शो करेंगे। तो जब 1, 2, 3, 4 की बात की जाती है, नंबर की बात की जाती है, तो वो कार्डिनल में होता है, और जब पोजीशंस की बात की जाती है यानी कि जो फर्स्ट है, सेकंड है ना, लास्ट है, सिक्स्थ है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में आते हैं। और लास्ट वाला जो मैंने आपको मैनी बताया, ये किस में आता है, मैनी है या फ्यू है, फ्यू भी आ सकता है, ठीक है। देयर आर फ्यू सिंगर्स, देयर आर फ्यू पेशेंट, है ना, जब इस तरह की चीजें आए तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन अ थिंग, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट करने के लिए, है ना। जब हम किसी को पॉइंट करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे आप किसी को पॉइंट करते हैं तो कैसे पॉइंट करते हैं, दिस इज माई साइकिल बोलते हैं, दिस इज माई बुक यहाँ पे लिखे दिया हुआ है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन। अब जो यहाँ पे दिस है, ठीक है, ये देखिए नाउन के पहले आया है। जैसे मैंने जितने भी एडजेक्टिव्स आप पढ़ रहे हैं, चाहे क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, नंबर है, ये हमेशा नाउन के पहले ही प्लेस्ड होता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। अब दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि और ये नाउन के पहले आ रहे हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोज मेन आर लेजी, वो जो आदमी है वो कैसे हैं, आलसी हैं, ठीक है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, ठीक है। दैट माउंटेन इज वेरी बिग, है ना, या दैट ट्री इज वेरी बिग, है ना, वो पेड़ बहुत बड़ा है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दिस दैट दीज दोज में जो चीज हमारे पास में होती है, हमारे नियर में होती है, उसके लिए हम दिस और दीज का यूज करते हैं, ठीक है। और जो चीज हमसे दूर होती है, थोड़ी फार में होती है, उसके लिए हम दैट और दोस का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, किसी को पॉइंट करते हैं। दिस बुक इज माइन, दोस स्मेल्स आर लेजी, है ना। तो ये जो दिस, दैट, दोस है, ये क्या है, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए, तो इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। दीज टाइप ऑफ एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, ठीक है। वॉट आर योर प्लान्स, आपके क्या प्लान्स हैं, है ना। विच पेन्स इज योर, ये पेन किसका है, हियर इज सो मेनी पेन्स, ठीक है। विच पेन इज योर, कौन सा पेन इसमें तुम्हारा है, तो ये जो हुज हो गया, वॉट हो गया, विच हो गया, जो कि डब्ल्यू एच वर्ड्स भी हैं, ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या जो किसी थिंग के ऊपर अपना पोजेशन दिखाते हैं, अपनी ओनरशिप दिखाते हैं। पोजेशन मतलब होता है अधिकार, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जताना, किसी चीज के ऊपर अपना ओनरशिप दिखाना, ठीक है। तो ये हमारा इट शोज पोजेशन एंड बिलोंग और बिलोंगिंग, ठीक है। जैसे दिस इज माय फोन, ठीक है, दिस इज माय फोन, दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। देखिए यहाँ भी सब क्या है, ये नाउन के पहले ही प्लेस्ड हो रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स नाउन के पहले ही आ रहे हैं। तो ये पेन मेरा है ना, दैट इज योर बुक, वो किताब तुम्हारी है ना। और किस तरह हम बना सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स, जैसे दिस ड्रेस इज हर, ये जो ड्रेस है ये उसकी है ना, दिस इज हर ड्रेस, ये उसकी ड्रेस है ना। तो जो नाउन के पहले आ रहे हैं, और ये ऐसे जो वर्ड्स है जो किसी चीज को अपना पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं। आपको चीज देखें कि अधिकार, दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है, हम मैं किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखा रही हूँ। तो ऐसे वर्ड जो हमारे होते हैं, माई है, योर है, अवर है, हर है, His है ना, ऐसे वर्ड्स हमारे जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे, इसमें हमने एडजेक्टिव और
टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा है, इसमें हम एक चीज और ध्यान देंगे। इसमें एक चीज आपके चैप्टर में और है, डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आपने इसे समझ ली होगी। यहाँ पे बात अगर हम की जाए पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन। यहाँ पे माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पे पजेशन आ रहा है, बुक के ऊपर अधिकार है मेरा, बुक के ऊपर अधिकार है मेरा, पजेशन है, दिस इज माई फोन या मेरा फोन है, ठीक है। नाउन के पहले हमारा माई आया है, तो माई हमारा यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और इसी को मैं इस तरह सेंटेंस भी लिख सकती हूँ कि दिस फोन इज माइन। देखिए बोथ सेंटेंस आर सेम, ठीक है, दिस इज माई फोन या मेरा फोन है, एंड दिस फोन इज माइन या फोन मेरा है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो माई है हमारा वो किसकी तरह आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, जो कि नाउन के पहले यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस में देखें, दिस फोन इज माइन, अब यहाँ पे जो माइन आ रहा है ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा नाउन के बिफोर प्लेस्ड होते हैं, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन में हम अभी जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये हमारे प्रोनाउन से ही बने हैं, ये हमारे प्रोनाउन से, दिस इज माई बुक या दैट इज योर बुक, ये प्रोनाउन से ही बने, लेकिन ये सेंटेंस में जब बिफोर उसके पहले यूज होते हैं, नाउन के पहले यूज होते हैं और एज अ एडजेक्टिव यूज होते हैं, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव तरह यूज किए जाते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि हम जैसे हमारा माई है तो ये माइन में चेंज हो जाएगा, आपका योर है तो ये योर्स में चेंज हो जाएगा, जैसे दैट इज योर बुक, तो इस तरह हम इसको ये लिख सकते हैं कि दैट बुक इज योर्स, है ना। अब ये जहां पे जो योर्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। आपका माई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइन में, योर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, योर्स में, ठीक है। हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, ठीक है, आर का अवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है हमारा सेंटेंस में कि ये जो इस तरह नाउन के पहले प्लेस्ड होंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव तरह यूज होंगे, और इनको अगर हम इस तरह लिखेंगे, इसके बाद प्रोनाउन के बाद आपको नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे नाउन नहीं मेंशन हो रहा है, नाउन हमारा पजेसिव एडजेक्टिव में ही यूज होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या कवर किया है, we have covered the adjectives, type of adjectives, इसके 6 types मैंने आपको बता दिए, and the difference between possessive pronoun and possessive adjective. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। So thank you so much, students.